हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैंने बनाई है पनीर दम बिरयानी। तो देखते हैं पनीर दम बिरयानी की यह रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे किचन में कि कैसे बनाते हैं पनीर दम बिरयानी। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें निकालेंगे पनीर। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर का यूज़ किया है पनीर दम बिरयानी के लिए। तो अब सबसे पहले इसको मैरिनेट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें डाला है पहले दही। दही का इस्तेमाल 2 बड़ा चम्मच किया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला 1 बड़ा चम्मच और इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच हरी धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लगभग आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई। कढ़ाई में तेल को डाल दिया है और अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें मैं प्याज डाल के चेक कर रही हूँ कि ये फ्राई करने लायक है कि नहीं। अब तेल हो चुका है तो मैंने इसमें बारीक कटे हुए प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इनको बारीक काट लिया था। अब इसको हमें डीप फ्राई करना है हल्का सा और ब्राउन, एकदम ब्राउनिश होना चाहिए क्योंकि ये हम बिरयानी के कोटिंग में यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से तेज आंच पे पकाइएगा। ये देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। हमें इससे भी ज़्यादा इसको ब्राउन करना है तो इसको हम लगभग 5 से 6 मिनट तक के लिए तेज आंच में पकाएंगे। ये एकदम हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर बिरयानी में बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा सोंधापन भी आता है। अब हम दूसरे साइड चढ़ाते हैं गैस पे भगोना। आपके पास जो भी पतीला हो वो आप चढ़ाइएगा। इसमें मैंने डाली 10 से 12 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ते, ये 1 बड़ी इलायची, ये छोटी इलायची और ये दालचीनी के टुकड़े। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। इसमें हम बिरयानी के चावल को पकाएंगे। बिरयानी के चावल को आप आधा घंटा पहले धुल के रख दीजिएगा अच्छे से। जब पानी में उबाल आने लगेगा तब हम इसमें बिरयानी के धुले हुए चावल को डाल देंगे। चावल आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी कटोरी बिरयानी का चावल का इस्तेमाल किया है लगभग 5 लोगों के लिए। अब इसमें हमने डाला है स्वादानुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने अभी इसकी ग्रेवी में हम नमक डालेंगे, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे धुले हुए चावल। अब इस चावल को हम लगभग इसमें 80% तक पका लेंगे और 20% छोड़ देंगे जो हम बिरयानी के साथ पकाएंगे। तो इसको अब हम ढक देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। बीच बीच में हम एक दो बार खोल के इसको चेक भी करेंगे कि ये ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये कितना पक चुका है और लगभग ये पक चुका है। थोड़ा सा अभी और इसको पकाना है। इसको हम फिर से ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद इसको ओपन करेंगे लगभग 5 मिनट बाद। तो अब 5 मिनट बाद खोल के देख रहे हैं तो हम अपने चावल को एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये मोस्टली पक गया है इसलिए हम गैस के फ्लेम को बंद करके चेक करेंगे, नहीं ओवर कुक हो जाएगा। और हमें ऐसे ही चावल की तैयारी करनी थी तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं या बिना वॉश किए भी आप इसको हल्का सा सुखाने के लिए खुला छोड़ दें या पंखे के नीचे रख दें जिससे सारे चावल खिले खिले रहें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल, आप कोई भी तेल यूज़ करिए जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच शाही ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते मीडियम साइज़ के, ये है कुटी हुई बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा और ये है थोड़ा सा जायफल, ये थोड़े से चक्री आता है मसाले में वो है, और 2 लौंग और 1 छोटी इलायची। तो ये खड़े मसाले हैं, ये बिरयानी में पड़ते हैं और इससे टेस्ट इसका खेल के आता है। तो अब इसको हल्का सा हम कुक कर लेंगे।
अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है। और प्याज को डाल के हम अच्छे से हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, अच्छे से मतलब पका ले, इसका कच्चापन चला जाए। अब प्याज हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का एक बड़ा चम्मच पेस्ट। ये मैंने मशीन में कूटा हुआ है, मैंने मिक्सी में पीसा नहीं है, तो थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम मैरिनेट में ऑलरेडी अब पेस्ट डाल चुके हैं। इसमें डालेंगे दो बड़े टमाटर कटे हुए। हल्का सा टमाटर पक गया है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमने डाला है एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे कि मसाला कच्चा ना रह जाए। मसाला पक गया है, अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। चावल में आप पहले ही डाल चुके हैं तो आप थोड़ा नमक कम डालिएगा। अब मसाला हमारा तैयार है तो इसमें हम मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे, जिसको हम एक घंटे तक रख चुके थे। अब इसमें सारे मसाले को मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको चला देंगे। थोड़ा आराम आराम से चलाइएगा, नहीं पनीर के टुकड़े टूट जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको धीरे हल्के हाथों से ही चलाइएगा। इसमें डालेंगे एक चम्मच बिरयानी मसाला और इसको फिर हल्के से चला लेंगे। और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। 15 मिनट बाद इसको हम खोल के फिर से एक बार चेक करेंगे। देखिए अब उसने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमारा मसाला लगभग पक चुका है। इसको हल्के हाथों से फिर से चला लेंगे, लेकिन अभी ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा हमें सुखाना होगा। तो आप चाहे इसको खोल के ही सुखा लें या इसको फिर से थोड़ी देर के लिए ढक दें। इसको फुल फ्लेम पे मैं इसको थोड़ा सा सुखा रही हूँ, मुझे थोड़ी ग्रेवी थिक चाहिए। अब ये लगभग सूख चुका है, और जिन लोगों को मटर पसंद है वो उसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। मटर को पहले पानी में थोड़ी देर उबाल लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने मटर ऐड कर दिया है। अब इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसकी कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो बड़ी मिर्च को बीच से काट के डाला है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्की सी कसूरी मेथी, ये है बारीक कटी हुई हरी धनिया, और ये है गुलाब के पत्ते। आप यहाँ पे रोज़ एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नेचुरल रोज़ की लीफ थी तो मैंने डाल दी। अब यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ और इसको अच्छे से एक लेयर में फैला दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चुटकी बिरयानी मसाला डाला है, इसलिए ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी गर्म मसाले बहुत पड़ चुके हैं इसमें। और अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई हरी धनिया, इसमें डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ प्याज, और इसमें डालेंगे फूड कलर। और आपके पास केसर हो तो आप केसर को दूध में लगभग आधे घंटे के लिए भिगो के रखिएगा तब डालिएगा। मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने यहाँ फूड एसेंस का यूज़ किया है। और अब इसको अच्छे से इसके साथ कवर कर देंगे। एक्चुअली मैंने इसमें घी भी डाला था, वो मैं एडिट करना भूल गई, तो आप इसमें एक चम्मच देसी घी भी डाल दीजिएगा। और फिर इसके बाद अच्छे से कवर कर दीजिएगा वॉल पेपर से। ये इंस्टेंट बनने वाली बिरयानी है, इसलिए यहाँ पे कोई आटे का यूज़ नहीं है, और वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है तो इसलिए उसको ना ही यूज़ करें। ये बहुत ही फटाफट बन जाता है, बहुत अच्छे से पक भी जाता है और अच्छे से स्टीम लग जाती है ऊपर तक, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये ट्रिक बहुत ही जल्दी बन जाती है, इससे बिरयानी बनाने का झंझट जो है थोड़ा ईजी हो जाता है। 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे एकदम लो फ्लेम में। पकने के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, इसको ओपन मत करिएगा, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने दीजिएगा, उसके बाद आप इसे ओपन करिएगा। तो ये प्रोसेस मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। देखिए बिरयानी एकदम बनके तैयार है, और इसको आराम से धीरे धीरे नीचे से निकालना शुरू करिएगा। और ये पनीर दम बिरयानी बनके तैयार है, और इसका टेस्ट बहुत ही औसम था। आप भी अपने घर पर ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।